वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अभी मित्र ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे डेल लैपटॉप के ऊपर 3.5 mm जैक के अंदर जो कि हेडफोन और माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है काफ़ी देर से, मतलब जैसे ही विंडो 10 का नया अपडेट आया था, 20H2 का आया था, 1909 आई थी, उससे पहले जो 1800% आया था विंडोज़ का, उसके अंदर जो विंडोज़ के अंदर लाइन इन का फंक्शन था वो वर्क ही नहीं कर रहा था। मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर लाइन इन शो ही नहीं कर रहा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँ तो जैसे कि रिकॉर्डिंग टैब के अंदर यहाँ पे लाइन इन शो नहीं कर रहा। तो लाइन इन शो नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना माइक उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते 3.5 mm जैक के थ्रू। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपके साथ कोई प्रोसेस काम नहीं कर पाएगा। पिछले एक महीने से मेरे को सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इंटरनेट से सारा कुछ चेक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लगभग ट्राई की है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा, पहले तो आप जो अपने डेल लैपटॉप है, एचपी लैपटॉप है, मेनली हम बात करने वाले हैं अब वोस्ट्रो, इंस्पिरेशन या फिर जो डेल लैपटॉप की जितनी भी मेन सीरीज होती है जिनके अंदर हेडफोन जैक अवेलेबल था और जिसके अंदर माइक्रोफोन जैक अवेलेबल है। आप चेक कैसे कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम पे जाके अपना मॉडल नंबर एंटर करके उसकी ओनर्स मैनुअल निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँ आपको। जैसे कि उसके बाद क्या करना है, ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको उसके आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। जैसे अभी मैं वोस्ट्रो 153568 यूज़ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली बस वोस्ट्रो टाइप करके उसके आपको पहले मैनुअल चेक करना है। ओके, जैसे ही आप उसके मैनुअल चेक करोगे, मैनुअल के अंदर आपको कुछ ना कुछ ये दिखाएगा कि आपका जो ऑडियो है क्या वो सपोर्ट करता है। अगर आपका ऑडियो केबल सपोर्ट करेगा माइक्रोफोन को तभी आप उसे यूज़ करेंगे, वरना आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊं तो मेरा जैसे ये दिखा रहा है, तो ये देखिए अभी ये दिखा रहा है, यहाँ पे कंट्रोलर है रियलटेक का, मतलब और वेव्स ऑडियो का, मतलब आपको रियलटेक का ड्राइवर इंस्टॉल करना है और वेव्स सॉफ्टवेयर से आप उसे उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ऑडियो स्पेसिफिकेशन के अंदर ये तो हो गया, और ऑडियो के अंदर एक चीज़ और जैसे कि मेरे वाले में मेंशन है, हाँ यही, ये देखिए ऑडियो के अंदर वन हेडफोन एंड माइक्रोफोन कॉम्बो पोर्ट हेडसेट। अगर आप वाले में कॉम्बो पोर्ट है या फिर सेपरेट पोर्ट्स है तो ये ट्रिक आपके कंप्यूटर पे काम करेगी, इसको आप ट्रिक बोल सकते हैं या फिर प्रॉपर एक सोल्यूशन बोल सकते हैं। अभी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वेव्स नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है क्या, ये वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो, अगर ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है तो आपको एक स्टेप आप छोड़ सकते हैं कि आप जैसे कि वेव्स को इंस्टॉल करने वाला, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये वेव्स है, जैसे कि आपके पीसी में वेव्स शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूंगा इसको शो कैसे करवाना है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, आपको क्या करना है गूगल के ऊपर जाके लिखना है डेल ड्राइवर्स डाउनलोड। ओके, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आ जाता है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स ऑफ डेल इंडिया डॉट कॉम, आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए सिस्टम के लिए आपको सपोर्ट असिस्ट नाम का एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ये इंस्टॉल कर लेता है और ये सर्विस टैग दिखा देता है। आप इस तरह के सर्विस टैग यूज़ करके आप अपना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है ड्राइवर। तो क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आपको इसी लैपटॉप पर मैंने सर्च कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको ये देखिए साफ दिखाएगा, आपको इधर आपको ये इस तरह दिखाएगा, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ चेक फॉर फाइन ड्राइवर्स। फाइन ड्राइवर्स में आपको क्या करना है, कैटेगरी के ऊपर आपको पहुँचना है, कैटेगरी के अंदर आपको इसको ऑडियो करना है। ऑडियो करने के बाद जो भी आपका लेटेस्ट डाउनलोड होगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार पीसी को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। इंस्टॉलिंग के प्रोसेस के बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको वो फास्ट बता देता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे, ओके, आफ्टर रिस्टार्टिंग योर पीसी राइट क्लिक ऑन टास्क मैनेजर एंड क्लिक ऑन टास्क मैनेजर, ओके एंड यस, टास्क मैनेजर ओपन करने का ये एक तरीका हो गया। टास्क मैनेजर जैसे कि मेरी सेकंड डिस्प्ले ऊपर शो हो रहा है, टास्क मैनेजर जैसे ये आ गया, सेकंड क्या कर सकते हो आप टास्क मैनेजर के लिए, अल्ट कंट्रोल और डिलीट, आप इन तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस करेंगे, उसके बाद आप टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे
ओके, टास्क मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये आपको ब्लैक स्क्रीन दिखा होगा तो बीच में, क्योंकि वो विंडोज सिक्योरिटी पेज होता है, वो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, इसमें स्टार्टअप ऑप्शन पे आएंगे। स्टार्टअप पे आने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे वेव्स ऑडियो, एचडी ऑडियो ऑफ रियल टेक एंड रियल टेक एचडी ऑडियो मैनेजर, इन तीनों को आपको एनेबल करना है। अगर गलती से भी आपने इनको डिसेबल कर रखा है तो आपके कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं होगा। ओके, अब आपका ये सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था कि आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, सेकंड स्टेप था कि आपको इनको स्टार्टअप पे क्लिक कराना है, थर्ड में आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर मतलब आपको रन खोलना है। रन खोलने के बाद आप अभी क्या करेंगे, रन के अंदर आपको टाइप करना है MS Config। MS Config आप जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो ये विंडो सिक्योरिटी पेज आता है, तो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दिया होगा जो आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आता हो ओबेसी। तो उसके बाद आपको करना है सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, जो ये वाला पार्ट है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किसी भी एक चीज पे क्लिक करके आपको सिंपली आर प्रेस करना है। तो ये देखिए रियल टेक ऑडियो सर्विसेज, इसको टिक मार्क मतलब रनिंग होना चाहिए। उसके बाद जो इसके नीचे वेव्स दिया हुआ है ये भी टिक मार्क होके रनिंग होना चाहिए। ये आपका थर्ड स्टेप था, अगर आपने ये ऑफ कर रखे थे तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप क्या होता है कि आपको विंडो की में सर्च करके आपको सर्च करना है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट में क्या सर्च करेंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट आपको ओपन कर लेना है। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अभी आपको ब्लैक स्क्रीन फिर से दिखाई देगी क्योंकि आपको ये विंडो सिक्योरिटी पेज आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपका विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जाना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, जो ये लास्ट ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको सर्विसेज जो कि सेकंड ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको किसी भी एक सर्विस पे सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपको आर दबा के रियल टेक को सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल टेक ऑडियो सर्विसेज शुड बी रनिंग एंड एट स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक, मतलब स्टार्टअप टाइप जो है वो ऑटोमेटिक पे होना चाहिए और जो स्टेटस है वो रनिंग होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेस करेंगे अब W फॉर सर्चिंग द वेव्स। अब आप वेव्स ऑडियो सर्विसेज को जाके चेक करेंगे तो वो इट शुड बी रनिंग, वो रनिंग होना चाहिए और ऑटोमेटिक पे होना चाहिए। ये हो गया जी आपका फोर्थ स्टेप। अब मैं एक स्टेप आपको और बताता हूँ, फिफ्थ स्टेप जो कि आपका लास्ट स्टेप होगा। अब आपको क्या करना है, वेव्स को ओपन करना है। ओके, जैसे ही अब आप वेव सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, वेव सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको कुछ देखने को मिलता है कि आपको प्लेबैक पे क्लिक करके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेबैक पे क्लिक करना है। फिर आपको ये जो एडवांस ऑप्शन आ रहा है इस कर्सर के नीचे, यहाँ क्लिक करना है। इस कर्सर के अंदर एडवांस ऑप्शन में आने के बाद आपको ये ऑप्शन जो ये है ना, शो पॉपअप डायलॉग व्हेन डिवाइस इज कनेक्टेड, जो फोर्थ ऑप्शन है, इसको टिक मार्क करके एनेबल कर देना है। इसके बाद अपने कंप्यूटर को आप एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लीजिएगा और जैसे ही आप अपना माइक्रोफोन या फिर आप इंसर्ट करेंगे आपको ये एक पॉपअप बॉक्स के थ्रू शो करेगा कि मतलब आपने क्या इंसर्ट किया है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं अभी मेरा माइक यूज़ कर रहा हूँ, शायद वो प्रॉपर हट जाए एक बारी के लिए तो आपको थोड़ी आवाज़ में डिफेक्ट आ सकता है, तो मैं दिखाता हूँ क्या है, तो आपको आवाज़ में थोड़ा चेंज आया होगा। अभी जैसे ही मैं मेरा माइक दोबारा से लगाऊंगा, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। ये देखिए ये एक पॉपअप आ गया है कि आपने कौन सा डिवाइस इंसर्ट किया है। इसमें आपको माइक इन नहीं यूज़ करना, लाइन इन नहीं यूज़ करना, हेडफोन्स भी यूज़ नहीं करना, आपको हेडसेट यूज़ करना है। हेडसेट मतलब हेडफोन एंड माइक विद कॉम्बो। ओके, इसी के अंदर आप मेनली आपको माइक यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास ओनली माइक भी है तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर की मेन जो साउंड होती है वो ऑफ रखिएगा। अगर आपके पास माइक वाला हेडफोन है तो आप हेडसेट पर क्लिक करके इसको एनेबल कर सकते हैं, फिर आपको ओके करना। इतना मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।